जहां एक ओर कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद हैं, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन शिक्षा को उपलब्ध करवाने के लिए जिला सोलन के राजकीय प्राथमिक पाठशाला बसोल खंड कंडाघाट और पाठशाला कुठाड़ खंड कुठाड़ के दो शिक्षकों प्रदीप शर्मा एवं शशिपाल शर्मा का एक अद्भुत प्रयास जारी है। दोनों ही अध्यापक कोरोना काल में पिछले 8 महीनों से अपने अपने स्कूल में विद्यार्थियों के लिए लगातार ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं। अब इन दोनों शिक्षकों ने नवोदय प्रवेश परीक्षा की कक्षा 6 के लिए निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाने की पहल की है, जिसमें सरकारी स्कूलों के जरूरतमंद बच्चे पिछले 1 माह से प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन अध्यापकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसी पर ऑनलाइन क्लास का लिंक भेजकर कक्षा संचालित की जा रही है। वर्तमान में जिला सोलन सहित कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर के बच्चे भी इस कोचिंग कक्षा का लाभ उठा रहे हैं। इस समय जबकि बच्चे विद्यालय में शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं, इस प्रकार की कोचिंग क्लास का चलाया जाना एक अद्वितीय प्रयास है, जिसके लिए दोनों ही अध्यापक सराहना के पात्र हैं। इन कोचिंग कक्षाओं में 50-50 बच्चे सुबह शाम की ऑनलाइन कक्षाओं में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। 550 बच्चे हैं, उसमें से 80% बच्चे कक्षा में स्कूल में प्रेजेंट है, मतलब स्कूल में आए हैं। तो कितने बच्चे आए हैं? 80% तो है, लेकिन किसका 80%? 550 का, 550 का 80%। तो वहां से हम 550 मल्टीप्लाई 80/100 कर लेंगे और उसको डिवाइड करके इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो इसका आंसर आया 440 बच्चे, जो कि हमारी ऑप्शन में है। तो आपको समझ में आ गया? एक काम को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है? 4 boys 12 days, ओके? Yes sir. तो हमारा क्वेश्चन है कि उस काम को 6 लड़के कितने दिनों में करेंगे? तो आपको करना क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन है कि 4 boys 12 days, तो आप 4 और 12 को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है? 12 4 का कितना होता है? 48। दोनों ही अध्यापक अधिक से अधिक सरकारी स्कूल के छात्रों के चयन को लेकर कृत संकल्प है। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट।